खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विधायक देवेंद्र यादव की, जिन्हें हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। कोयला घोटाले में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुनाते हुए भिलाई से कांग्रेस के विधायक है देवेंद्र यादव, और उनकी जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बड़े ही आस के साथ याचिका डाली गई थी, लेकिन देवेंद्र यादव को कोर्ट से तो झटका मिला है और याचिका ही खारिज हो गई। बिल्कुल निश्चित रूप से ये कोल लेल का मामला था, और इस मामले को लेकर जो है 29 फरवरी को पूरी जो मामला है इसको सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था, क्योंकि आज इस पूरे मामले पर जो चर्चित कोल स्कैम मामला है उसको लेकर विधायक देवेंद्र यादव की जो अग्रिम जमानत थी उस याचिका को खारिज कर दिया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एमएलए देवेंद्र यादव को एक हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है, क्योंकि लगातार ये मामला निकलकर सामने आ रहा था कि हाई जो कोल स्कैम का जो मामला है उस पर कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, जिसमें देवेंद्र यादव का भी नाम था। इस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र यादव ने याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई 29 फरवरी को हो चुकी थी, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं डॉक्टर मोहन यादव, रायपुर में बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रायपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में मौजूद हैं। मंत्री, विधायक और प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल मौजूद हैं। कृषि उपज मंडी राजनांदगांव में जनसभा भी करेंगे वो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव डोंगरगढ़ में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि भी करेंगे। दुर्ग में यादव समाज के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। तो बेहद ही खास है मोहन यादव का रायपुर का दौरा, लेकिन इन तमाम कार्यक्रम से पहले वो एक महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद हैं, शामिल हैं, जिसमें कि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज की ये बैठक कई मायनों में खास हो सकती है, क्योंकि नामों को लेकर आलाकमान से तो मंथन किया गया ही, चर्चा किया गया ही, लेकिन अब मोहन यादव के यहाँ पर पहुंचना यानी जीत का मंत्र देना। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी चुनाव को इसी तरह से लड़ती है, और अभी देखिए कांग्रेस के प्रत्याशियों के बहुत जगह पे नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी की जो क्लस्टरों की बैठक है वो लगातार जारी है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ बीजेपी एकात्म परिसर पर आए हैं और रायपुर जो क्लस्टर है उसकी बैठक ली है। जो जो अलग अलग विधान लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं और उनके जो प्रभारी हैं उन क्षेत्रों के, उनके तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी बैठक ली गई है, और बैठक समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को अग्रिम उन्होंने बधाई दे करके जो राजनांदगांव के लिए वो रवाना हो चुके हैं। राजनांदगांव में कृषि उपज मंडी में एक महती सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद डोंगरगढ़ जाएंगे और विद्यासागर जो महाराज है उसकी समाधि स्थल पर जाएंगे। इसके बाद दुर्ग में भी वो यादव समाज से जो सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी प्राथमिक तौर पर यहाँ पे कमान संभाल करके चुनाव प्रचार में अभी लगे हुए हैं, और अलग अलग समुदाय वर्ग के लोगों से भी वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, और यहाँ बीजेपी के जो अलग अलग जो क्लस्टर के जो लोकसभा के जो प्रभारी हैं उन्हें जीत का मंत्र उन्होंने दिया है, और 400 पार के जो नारे हैं उसको दे करके वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, और उसके बाद लगभग 5 बजे वो यहाँ से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। जी युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोदी की गारंटी की, जिसकी गारंटी की भी गारंटी होती है। किसानों के लिए आज बड़ा दिन है, किसानों के लिए आज खुशखबरी है। आज किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि जारी होगी, 13,000 करोड़ की राशि जारी होगी। किसानों को 917 रुपए प्रति क्विंटल अंतर राशि मिलेगी। बालोद में कृषक उन्नति सम्मेलन होगा, सीएम विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कृषक उन्नति योजना का शुभ आरंभ करेंगे। तो किसानों के लिए ये बड़ा दिन,
मोदी की गारंटी पूरा करने का वक्त आ गया है और किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि आज मिलेगी, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से जारी किया जाएगा। अर्जुन मुंडा जहां पर आपको इस कार्यक्रम में नजर आएंगे और इस कार्यक्रम के तहत कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ किया जाएगा। 13,000 करोड़ की राशि आज जारी होगी किसानों के खाते में, लगभग 917 रुपए प्रति क्विंटल अंतर राशि आज किसानों को मिलेगी। बालोद में कृषक उन्नति सम्मेलन होगा, विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी नजर आएंगे आपको। कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी ही देर में हो जाएगी और तैयारियां किस तरीके से यहां पर की जा रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से लगातार हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से तस्वीर आपको दिखाई कि मंच सज कर तैयार है, बस इंतजार है कि कब यहां पर माननीय अतिथि पहुंचेंगे। 68,000 रुपए छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी, जिसके तहत में हमने किसानों के साथ में अपने प्रदेश के अन्नदाताओं को हमने वादा किया था कि हम किसानों का 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे। आज वो शुभ घड़ी आई है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी इस योजना के तहत में हमारे किसानों को 3100 रुपए देने का प्रावधान किया हुआ है। 917 रुपए इसमें हमारे किसानों के खातों में जाएगा और हम सभी अपने प्रदेश के अन्नदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो उन्होंने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर विष्णुदेव साय मौजूद हैं और किसानों के लिए जो एक नए तकनीक की शुरुआत की जा रही है, एक योजना जिससे कई लाखों किसानों को फायदा मिलेगा, उसके लिए अर्जुन मुंडा भी इस कार्यक्रम में आपको नजर आएंगे। इस बीच आपको विष्णुदेव साय सबसे पहले तो दिखाई दे रहे हैं, विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और साथ ही कई कैबिनेट मिनिस्टर्स साय सरकार के आपको नजर आ रहे होंगे। आज का दिन बहुत ही खास है इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी की भी गारंटी, और अब उस गारंटी को पूरा करने का वक्त आ गया है। देखिए गुलदस्ता देकर विष्णुदेव साय का यहाँ पर स्वागत करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। तो प्रति क्विंटल 917 रुपए के आधार पर जो है वितरित किए जाएंगे किसानों के खाते में राशि, और कई ऐसी योजनाएं हैं किसानों के लिए जिनका शुभ आरंभ किया जाएगा। एक और गारंटी पूरी हो रही है, इससे पहले महतारी वंदन योजना के तहत राशियां जो हैं वो महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई थी और अब किसानों के लिए भी राशि अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। और उससे पहले जो तैयारियां यहां पर की गई हैं उन तैयारियों का जायजा भी लेते हुए, जानकारी लेते हुए यहां पर विष्णुदेव साय नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से नाले का निर्माण किया गया है, उत्पादन बालोद में बकरी पालन पहुंचकर लोगों से बातचीत और चर्चा फिलहाल की जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे इस खास कार्यक्रम के लिए, हो सकता है। हालांकि कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात किसानों के लिए। कृषि मंत्री के कर कमलों द्वारा आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और साथ ही जो योजनाएं हैं किसानों के लिए उनका भी आज शुभारंभ कर दिया जाएगा। गन्ना उत्पादन के लिए प्रेरित करते हुए आर्थिक रूप से यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।